मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। हुले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ। और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूर डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है।
और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है, केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब यह पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन? नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान, मैं आज को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया, और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूट्रेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया, देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत, तैयार, प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा।
अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! तो क्या हम शुरू करें? मैं पहले देखती हूँ। ओ वाह, ये तो चॉकलेट बार है। कूल। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसे कैसे खाऊं? ये पूरी तरह से पिघल गया है। उसके मजे लो मिया। मुझे उसके साथ तुरंत कुछ करना होगा। एक आइडिया है, मुझे पता है मैं अपने चॉकलेट बार कैसे खा सकती हूँ। मुझे बर्फ और कैची चाहिए। पहले मैं थोड़ा खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। यदि मैं बर्फ पर लिक्विड चॉकलेट डालूंगी तो यह हार्ड हो जाएगा और मैं इसे आराम से खा सकती हूँ। और चॉकलेट के साथ ड्रॉ करना मजेदार होता है। ये बढ़िया लग रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं ये खा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। अरे तुम कहाँ देख रही हो, चलो अपना खाना खाओ। मुझे यकीन है मेरे पास भी खुद स्वादिष्ट है। एक जमा हुआ चॉकलेट बार, सच में यह बर्फ से भरा हुआ है। हाँ, अब यह बेहतर है। ये अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी है। ओह, यह तो एक पत्थर की तरह है। मैं इसे काट नहीं सकती तो इसे खाऊंगी कैसे? चलो टूट जाओ। ओह चलो ठीक है, मैं इसे आइसक्रीम की तरह चाटने की कोशिश करती हूँ, शायद तब मैं इसे खा पाऊँ। यह लंबे समय तक चलने वाला है। यह अच्छा है कि मुझे पिघला हुआ चॉकलेट बार मिला। मैं चॉकलेट से कुछ भी बनाकर खा सकती हूँ, जैसे कि बिल्ली। ये स्वादिष्ट है। इस बार हमें क्या मिलेगा? मैं पहले देखती हूँ। नहीं, मैं देखूंगी। ठीक है, चलो तुम देखो। क्या है इसके अंदर? जमा हुआ वॉफल। बेशक मुझे वॉफल पसंद है, लेकिन जमे हुए नहीं। ये पत्थर से बना है और इसे खाने मेरे दांत टूट जाएंगे। तुम्हें क्या मिला है? वाह, मैं कितनी लकी हूँ। मेरे पास एक तैयार सुंदर सा वॉफल है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा हाथ, ये इतना गर्म क्यों है? आह, यह लो मेरी, मेरे वॉफल पकड़ो। फ्यू, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन अगर ये इतना गर्म है तो मैं अपना वॉफल खाऊंगी कैसे? आइडिया, नैपकिन लगा लेती हूँ ताकि कपड़े गंदे ना हो। यदि मैं एक कांटे और चाकू से खाती हूँ तो मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। स्वादिष्ट। तुम क्या कर रही हो? बेकार जमा हुआ वॉफल। ओह, टूट जाओ। ओह रे, शायद मैं इस टुकड़े टुकड़े करके खा सकती हूँ। ये अभी भी कड़ा है, इसका बाइट लेना नामुमकिन है। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकती। दुखी मत हो मिया, देखो मेरा वॉफल दो लोगों के लिए काफी है। चलो साथ में खाते हैं। हाँ तो क्या साथ में खोले? चलो। वाह, मार्शमेलो के साथ हॉट चॉकलेट, मुझे ये बहुत पसंद है। ऊपर बहुत सारे मार्शमेलो हैं। शायद इसे एक स्ट्रॉ के साथ पीना ज्यादा आसान होगा। उफ, मैं इसे अंदर क्यों नहीं घुसा पा रही हूँ, क्या मामला है? अरे, तो मेरे पास सच में हॉट चॉकलेट है? यह सही नहीं है, मेरा ड्रिंक इतना ठंडा क्यों निकल भी नहीं रहा है, मैं इसे कैसे पीऊंगी? खैर ठीक है, मैं इसे चाटूंगी। यह तो स्वादिष्ट है, यह आइसक्रीम की तरह लग रहा है। और मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे नरम और मीठे मार्शमेलो मिले हैं और चॉकलेट जो बहुत गर्म है। आह, मैं ये नहीं पकड़ सकती, क्या करूँ? हाँ, मैं इसे ग्लव्स पहनकर पी सकती हूँ, तब मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। हाँ बढ़िया है। यम्मी। और तुम अपनी बर्फ को चाटो। तुम पहले क्यों हो? चलो एक साथ खोले। 3, 2, 1। नूडल्स। अरे वाह, कितना बढ़िया है। अरे रुको, क्या ये जमे हुए हैं? मैं अपनी चॉपस्टिक भी नहीं निकाल सकती। हालांकि ये बेहतर नहीं हुआ। हाँ बुरा हुआ, लेकिन मैं अब एक स्वादिष्ट नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं तो चॉपस्टिक के साथ प्रोफेशनल हूँ। चलो कोशिश करते हैं। ओह वाह, अरे नहीं, ओह मेरा मुंह जल रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे पता है कि मैं अपनी नूडल्स को कैसे पिघला सकती हूँ। मिया मेरी थोड़ी मदद करो। हाँ, अब मैं भी अपने नूडल्स खा सकती हूँ। अब इसे खाना आसान हो गया है। ये नूडल्स बहुत तीखे हैं। मदद करने के लिए धन्यवाद। अब मैं नाश्ता करूँगी।
कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया। उफ्स, माफ करना। सुनो, इस बार थम फाइट डिसाइड करेगी कि पहला कौन होगा। तुम मुझे हरा नहीं सकती, कोशिश भी मत करो। चलो देखते हैं। हाँ, मैं जीत गई, तुम हार गई। मेरे पास क्या है? एक पिघला हुआ लॉलीपॉप। क्या? और मैं कैसे खाऊं? Okay. तुम्हें क्या मिला है? Okay. ओ वाह, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है। मेरे पास एक पूरा लॉलीपॉप है। चलो इसे चखती हूँ। ओ नहीं, लॉलीपॉप तो मेरी जीभ पर जम गई। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है कि मियाँ के साथ शरारत कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रॉप्स कहाँ है? बढ़िया। ओ मियाँ, मदद करो, लॉलीपॉप इतना ठंडा है कि जीभ से जम गया है। क्या करो, क्या करो, रुको। अब मैं, ओह हाँ, मैंने कर लिया तुम्हारी जीभ, अब ठीक है। क्या, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। ओह, बहुत बेकार प्रैंक था। बेहतर होगा मैं अपने लॉलीपॉप के साथ आगे बढ़ूं। इसे कैसे खाओ? आइडिया, क्या होगा यदि मैं इस पिघले हुए लॉलीपॉप से बबल्स फुलाऊं? वाह, और मैं इसमें अच्छी हूँ। ये बबल्स भी स्वादिष्ट है। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुमने काफी मजा कर लिया है। चलो रॉक पेपर सीजर्स से करते हैं। सीजर्स, मैं जीत गई। अरे कहाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। पता नहीं इसमें क्या है। नगेट्स, वाह, मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। चलो खाती हूँ। कितने गर्म है। हाँ, यह बेहतर है। मैं खा रही हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। चलो अब तुम देखो कि तुम्हें क्या मिला है। ठीक है, जमे हुए नगेट्स। मैं ये कैसे खाऊंगी? मैं तो ये पैकेट भी नहीं खोल पा रही। ये तो सच में खुल नहीं रहा। चलो लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो हो गया, यह लो। मदद के लिए शुक्रिया। काश तुमने इसे नहीं खोला होता। मैंने कभी जमे हुए नगेट्स नहीं खाए हैं। खाने की कोशिश करती हूँ। ये तो पत्थर से भी ज्यादा कड़े हैं। इसका बाइट लेना नामुमकिन है। मुझे पता है इसे किस तरह गर्म करना पड़ेगा। मेरे पास एक स्ट्रेटनर है, इसके साथ ट्राई करती हूँ। पता नहीं कितनी देर इंतजार करना होगा। ओह, यह महक कैसी है। हो गया, ऐसा लगता है कि ये काम कर गया। नगेट्स तैयार है, मैं अब यह खा रही हूँ। यम्मी, मैं तो सच में जीनियस हूँ। इसमें क्या है, यह जानने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। ओह देखो वहाँ क्या है। अब मेरे पास है पिज्जा। ओह मुझे माफ करो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन यह तुमने ठीक नहीं किया, पर मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मुझे यकीन है कि मेरे पास भी कुछ स्वादिष्ट होगा। पिज्जा, लेकिन यह जमा हुआ है। हाँ मुझे पता था, मैं ट्राई करती हूँ। चलो खाती हूँ। आह, मेरे दांत। मैं इसके साथ क्या करूँ, मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास एक आइडिया है, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। हाँ, इस तरह से लो और खाओ। अब चबाओ, लगता है यह काम किया। बढ़िया, धन्यवाद यार। उप्स, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अरे नहीं, मेरे दांत, अब मैं क्या करूँगी? बेकार पत्थर पिज्जा। मुझे पता है तुम्हें क्या खुश करेगा। पिज्जा, एक टुकड़ा ले लो, बस इस बार सावधान रहना। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, वह फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ।
मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा करे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है, आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा, सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। कितना डरावना है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना, ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है, मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ, और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है, और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी, ओह तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है।
मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम, ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वाद इस चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी।
इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ, और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।